हेलो एवरीवन, आज हमारे बीच है अनुष्का महेश्वरी जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट 2023 क्लियर किया है विद 604 मार्क्स। तो चलिए जानते हैं उनकी क्या रही नीट जर्नी और उनका कैसा रहा एक्सपीरियंस। 11th क्लास में मैं नॉर्दर्न एकेडमी में आई थी, तो स्टार्टिंग से क्लासेस ज्वाइन की थी, तो कोई ब्रेक नहीं लिया बीच में कि क्लासेस छोड़ रहे घूम रहे ऐसा बिल्कुल नहीं किया था। और अंतिम सर ने डे वन पे ही मुझे बोला था कि कोचिंग में फ्रेंड्स मत बनाना। अरे ये तो भयंकर ही बोल दिया उन्होंने, बहुत बढ़िया। मैंने उनकी बात मान भी ली थी कि फ्रेंड्स नहीं बनाएंगे, और क्योंकि वो बाहर लेके जाएंगे फिर घुमाएंगे इधर उधर, तो ये नहीं। फिर उसके बाद क्लासेस ज्वाइन की, तो क्लासेस तो बेस्ट थी, सब कुछ समझ आता था। और मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो मैं क्लास के बाद ही टीचर्स को रोक के वहीं पे क्लियर कर लेती थी, या फिर डाउट सेशंस में भी मैंने अटेंड किया है। ऐसे ही धीरे धीरे करके फिर 12th क्लास आई, उसमें इम्प्रूवमेंट किया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हुई और मुझे टेंशन भी बहुत हो जाती है, तो फिर उसको भी धीरे धीरे हैंडल करना सीखा। आपको इतनी टेंशन क्यों हो जाती है, मतलब जैसे बहुत सारे बच्चों को होती है, आपको इतनी ज्यादा क्यों हो जाती है? सर शायद ये मेरा नेचर है। क्या आपकी प्रकृति ही गंभीर है ऐसा? ठीक है, अब जैसे आपने कहा कि दोस्त नहीं बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे? सर दोस्त नहीं बनाएंगे मतलब ऐसा नहीं कि किसी से बात नहीं करेंगे। करेक्ट, ये वाला बात ही नहीं करेंगे किसी से। ऐसा नहीं मतलब कि जब जरूरत नहीं होंगे या किसी को हेल्प है तो डेफिनेटली, बट ऐसे फालतू में घूमते नहीं फिरेंगे कि गीता वन की गलियों को देख के आएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। और जैसे कि एज अ फ्रेशर, क्योंकि आपका पहला अटेम्प्ट था, तो एज अ फ्रेशर क्या माइंडसेट रखना चाहिए, क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि पहली बॉल पे ही छक्का मार दें, ऐसा बहुत कम हो पाता है, तो क्या आपका पॉइंट्स हैं इसके ऊपर? सबसे पहले तो ये कि ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है और ज्यादा सोचना नहीं है। ज्यादा सोचना जो मैंने किया था और नहीं करती तो शायद इससे बेटर होता। बहुत बढ़िया, कि ओवरथिंक नहीं करना चाहिए किसी भी चीज को, क्योंकि उससे कुछ मिलेगा नहीं आपको, जो टोटल प्रीडिफाइंड तरीके हैं उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, ऐसा फिक्स नहीं था कि पहले लग रहा है पेपर देख के कि ये सब्जेक्ट पहले करना चाहिए, तो ये सब्जेक्ट पहले किया। वैसे ही नीट में भी मैंने ऐसा किया था, जैसे मैंने बायो से स्टार्ट किया, फिर बायो खत्म हुआ तो केमिस्ट्री पे आया था, तो पर केमिस्ट्री का सिर्फ फर्स्ट पेज करने के बाद ही मुझे ऐसा लगा था कि केमिस्ट्री कंपैरेटिवली टफ है, तो फिर मैंने एक बार फिजिक्स देखा तो फिर पहले वही किया था कि पहले फिजिक्स खत्म किया, उसके बाद फिर वापस केमिस्ट्री पे स्विच किया, और जो क्वेश्चंस मार्क करके रखे थे एंड में देखने हैं, फिर उनको चेक किया। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस आपने एग्जाम में किया। और जैसे कि अगर सवाल ये है कि डॉक्टर बनना है, तो ये कब आपने निश्चित किया था कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है, ये बचपन से ही फिक्स कर रखा था कि ये बाद में फिक्स किया? बचपन से ही फिक्स करा था सर, मतलब ऐसे कोई रीजन नहीं है कि डॉक्टर इसीलिए बनना है, बस बनना है, बस बनना है। पर क्यों बनना है? चलिए ठीक है, अगर अब वो क्यों अभी नहीं मिला है तो 5.5 साल है, बहुत लंबा समय है, तब ढूंढ लेना कि क्यों बनना है, तब देख लेंगे। चलिए, तो नीट जर्नी आपकी इस तरीके से रही। और एज अ फ्रेशर मैं वापस देखो ये वाला पॉइंट उठाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी हैं जो 10th के बाद, क्योंकि 10th में बच्चे का बहुत छोटा होता है, वो सोच ही नहीं पाता, जैसे अगर उसको बोला भी जाता है कि सीरियस रहो, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता कि सीरियस रहना कहते किसको है, तो कैसे वो इन चीजों को कर पाए, डिसिप्लिन में कैसे आ पाए? क्योंकि अभी भी जैसे मैं 10th 11th क्लास की क्लास लेता हूँ, तो बहुत सारे बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं है कि हो क्या रहा करता हमारे साथ, क्योंकि 10th के बाद सिलेबस बहुत बदल जाता है साइंस स्ट्रीम का, और 11th में अचानक से उसको डेप्थ में पढ़ाना चालू कर दिया जाता है, एनसीईआरटी को पढ़ता है तो कुछ समझ में ही नहीं आता, क्योंकि लैंग्वेज इतनी टफ सेट कर रखी है, तो उसको कैसे टैकल करना चाहिए फ्रेशर को? मतलब सर जो क्लासेस होती थी सबसे पहले तो वही कि उनको अच्छे से ध्यान से सुनो, और बाकी कोई भी लाइन में डाउट है कोई पैराग्राफ में, तो फिर वो टीचर्स से ही कंसल्ट किया कि ये वाली लाइन समझ नहीं आ रही है तो इसको कैसे करें, तो फिर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, नोट मेकिंग पे अगर हम बात करें, जैसे लेक्चर्स जो होते हैं उसके जो आप नोट्स बनाते हैं, तो उसका क्या योगदान रहता है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि फार्मूला बनानी चाहिए, फार्मूला कॉपी बनानी चाहिए, फिर देन शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, फिर मेन नोट्स बनाने चाहिए, फिर एनसीईआरटी भी पढ़नी चाहिए, तो ये जो इतना सारा डेटा इकट्ठा होता है, तो इस पे क्या आपका पॉइंट्स रहेंगे कि उसको कैसे मैनेज किया जाए? जैसे ऐसा जरूरी नहीं है कि अपन हर चैप्टर के फॉर्मूला नोट्स बनाएं, कुछ चैप्टर्स ऐसे जैसे जिसमें बहुत सारे फॉर्मूले और जो याद नहीं होते हैं स्पेसिफिकली इक्विलिब्रियम के, तो मैंने उसके शॉर्ट नोट भी बनाए थे और फॉर्मूला नोट्स भी बनाए थे। बाकी क्लास नोट्स है फिजिक्स में, तो उसी से रिवाइज किया है,
क्योंकि उसमें क्वेश्चंस भी रहते थे और नोट्स में भी थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस भी, तो दोनों उसी से हो जाता था, फिर बाकी प्रीवियस ईयर और मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स ठीक। और बायो को पढ़ने का क्या तरीका रखना चाहिए किसी प्रेशर बच्चे को? बायो को सिर्फ एनसीईआरटी से ही पढ़ाए, और जैसे कुछ जो अपने पास टेबल्स है या फिर कोई डायग्राम है तो उसको अच्छे से देखना कि आएगा तो वही वाला आएगा। जैसे एक ये रहता है कि नंबर ऑफ टाइम्स, तो कितने टाइम्स एक चैप्टर को पढ़ना चाहिए, ऐसा आपका कोई नंबर बना कि इतने टाइम्स पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है? स्टार्टिंग में जैसे फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो कुछ अच्छे से समझ नहीं आएगा, बट ऐसा कि अपन ने सिर्फ देख लिया एक बार कि इस चैप्टर में यही है, फिर धीरे धीरे सेकेंड टाइम थर्ड टाइम में लगता है कि हाँ चैप्टर समझ आ रहा है। और मैंने एक चैप्टर 30 टाइम्स तो पढ़ा होगा। ठीक है, तो मतलब बार बार रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है उस चीज को, अगेन एंड अगेन उस रिसोर्स को देखते रहिए कविता की तरह, कि जब अगली बार पढ़ रहे हैं तो कुछ अलग ही मतलब निकल के आ रहा है। चलिए ठीक है, तो अब आपका एक सपना पूरा हो चुका है, तो क्या आपके पास आपका दूसरा सपना है? क्या है आपका दूसरा सपना? सबसे पहले तो MBBS ही। MBBS ही अच्छे से कर लेंगे आप? MBBS अच्छे से अपना बेस्ट देने का ट्राई करेंगे। नहीं पक्का ही कर लेंगे, हमें पूरा यकीन है कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आफ्टर MBBS क्या सोचा है कि बाद में सोचेंगे? हाँ अभी इस मोमेंट को जी लेते हैं, क्योंकि पता नहीं बाद में ट्रक आ रहा हो पीछे से। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो लास्ट में आप कैसे एस्पिरेंट्स को क्या बताना चाहेंगे कि अगर एक फ्रेशर बच्चा पेपर को अटेम्प्ट करने जाता है तो क्या माइंडसेट रख के, अपने प्रिपरेशन में कौन सी चीजों को ध्यान में रख के? मुझे ऐसा लगा था सर कि मैं पेपर में जाके बहुत ज्यादा प्रेशर ले लूंगी और टेंशन, बट वैसा एक्चुअल में हुआ नहीं है। तो बीच में ऐसा लगा था कि ज्यादा टेंशन हो गई है पेपर में, तो फिर मैंने पेपर बंद किया, पानी पिया जैसा आपने बताया था क्लास में, कि वापस से बाउंस बैक हो जाना है अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको पानी पी के फिर वापस चालू करना है। बहुत बढ़िया। और बाकी मतलब एक दो दिन पहले से मैंने ऐसा कर लिया था कि टेंशन ना हो ना हो ना हो, खुद को समझा लिया था, ब्रेन को ट्रेन कर लेना चाहिए, क्योंकि बार बार हम इन चीजों को बोलेंगे, क्योंकि अभी एकदम कच्ची मिट्टी की तरह है, सीरियस बोलने से बच्चा सीरियस नहीं होगा, उसको बार बार उस चीज को दोहराना होगा कि हमको टेंशन नहीं लेनी है तो नहीं लेनी है, अब सच में नहीं लेनी है, सब बोलने के बाद लेने लग जाओ तो क्यों बोल रहे हो फिर। बहुत सही बात है, तो चलिए ठीक है, लेते हैं अलविदा अनुष्का महेश्वरी से, तो आइए करते हैं सबसे नमस्ते। ठीक है, नमस्ते बच्चों।